हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये बहुत लंबा गैप हो गया। मैं काफ़ी दिनों से घर पे नहीं थी, मैं एक शादी में गई हुई थी, बट नाउ आई एम बैक एंड बैक टू वर्क नाउ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चने और आलू की, बिल्कुल वो ढाबे स्टाइल की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ 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 मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप चना, काला चना। इसे मैंने रात भर भिगो दिया था और इसे मैंने बॉईल कर लिया है। और फिर मैंने लिया है 3 आलू, इसे और चने को मैंने एक साथ बॉईल कर लिया है। फिर मैंने लिया है 1/2 प्याज, इसे स्लाइस कट कर ले, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा और 4 मसाले, टर्मरिक ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। फिर हम लेंगे 2 अनियन, 10 से 12 लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 टमाटर। इन सब का ग्राइंड पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले पेस्ट बना लेते हैं। इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही अलग टाइप का टेस्ट आता है, बिल्कुल डिफरेंट। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये देखिए, ये मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया। और अब मैं डाल रही हूँ कुकर में तेल। आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, क्योंकि पहले ही हमने चने को और आलू को बॉईल कर लिया है, तो मैं वही कुकर यूज कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल दें। और जब ये दोनों अच्छे से भुन जाए, ये देखिए इस तरह से, जब ये दोनों भुन जाए तो इसमें जो स्लाइस कट अनियन थे उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और तब तक यहाँ पे मैं आलू को तोड़ ले रही हूँ हाथों की मदद से, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले। आपको जितने भी बड़े टुकड़े चाहिए आलू की, उस तरह से इस तरह से, ये देखिए सारे आलू को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। और यहाँ प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब मैं इसमें सारे जो मसाले थे वो पहले डालूंगी। आप ये ज़रूर ट्राई करें, पहले मसाले डालें, पहले जो पेस्ट है वो डाल के मसाले डालो तो अलग टेस्ट आता है। और सारे जो पाउडर होते हैं वो डाल के, जो ये मसालों का पेस्ट तैयार किया है वो डालने पे अलग टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और ये मैंने सारे जो फाइन पेस्ट बना के रखा था उसको डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दे, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला हमारा। और तेल ऑलमोस्ट छोड़ ही चुका है, तो अब हम इसमें सारे चने डाल देंगे। सारा चना और आलू डाल दे एक साथ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट और भून लें इसको मसालों के साथ। और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। मसाला पूरी तरह से सूख चुका है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर और भूनेंगे, 1 से 2 मिनट। और फिर जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो अभी उसी तरह से भुने। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाला तेल छोड़ रहा है। तो अब आप इसमें पानी डाल दें अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालें। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, इसकी थोड़ी सी थिक ग्रेवी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ये देखिए पानी इतना ही डाला मैंने, थोड़ा सा और पानी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया यहाँ पे पानी। और बस अब हम इसे बंद करेंगे ढक्कन लगा के और
इसको थोड़ी देर के लिए जड़ रहने देंगे। इसमें कोई सीटी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये चना गला हुआ है। बस सिर्फ फ्लेवर इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इसलिए अगर आप पैन में बना रहे हैं तो आप थोड़ी देर ढक के छोड़ दें 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे, ताकि फ्लेवर अच्छे से ब्लेंड हो जाए इसमें। और ये देखिए सब्जी, यम यम सा सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, लिट्टी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, चावल सब्जी और ये जो हमारे घर की अचार होते हैं उसके साथ ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।